बगल के राज्य गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अगर वहां पर पेट्रोल डीजल कम है, उसका दाम कम है, वहां की राज्य सरकारों ने वैट कम कर रखा है, तो आपने राजस्थान की जनता ने क्या आपका बिगाड़ा था कि हाँ डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है। शासन के खिलाफ निकली है, यह प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, और जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको कुएं में फेंक दिया जा रहा है, सरकार के खिलाफ निकली है। यह परिवर्तन यात्रा जो गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसके खिलाफ निकली है, क्योंकि सचिवालय के अंदर सोना पकड़ा जाता है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, बद्री माफियाओं का बोलबाला है। यह परिवर्तन यात्रा और भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली है, जिसमें जनता का अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन यात्रा जो युवा है जो पेपर लीक से परेशान है, हताश है, निराश है, परेशान है, 17-17 बार पेपर लीक होता है, युवाओं के जन आक्रोश को ध्यान में रखते हुए यह परिवर्तन यात्रा पेपर लीक के खिलाफ निकली है, और राजस्थान में इसका जन समर्थन बहुत व्यापक स्तर पर मिल रहा है। आज जयकारे पर ऐतराज लगाते हैं, और एक प्रधानमंत्री वो है जो राम की महिमा के लिए अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त निकले हैं। नौजवानों के सपने पूरे करने के लिए, प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए 2003 में आपने आशीर्वाद दिया, 13 में दिया, भैरव सिंह जी से लेकर वसुंधरा जी तक एक श्रृंखला है राजस्थान के बदलाव की। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों से जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, इनके जरिए देश को बदलने की कोशिश की है। और तो और आपको खुशी हुई होगी, चंदा मामा दूर के कभी सपना होता था कि चांद पर कोई पहुंचेगा, लेकिन सबसे पहले चंद्रयान पहुंचा भारत का तिरंगा लेकर, आपका सर अभिमान से ऊंचा हो गया होगा। इसलिए आज की ये परिवर्तन यात्रा इसी संकल्प और शंखनाद के साथ इस तीर्थ नगरी से शुरू हुई है। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं अभी आदरणीय अरुण सिंह जी को और पार्टी के सभी तमाम प्रमुख लोग उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूरे मंच का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, सत्कार करें। ये परिवर्तन यात्रा आप लोगों के लिए है, ये परिवर्तन यात्रा किसानों के लिए है, ये नौजवानों के लिए है, दलितों और वंचितों, पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए है, मातृशक्ति के सम्मान के लिए है, क्योंकि राजस्थान में एक ऐसी सरकार काबिज है जो किसानों से वादा खिलाफी करती है कर्जा माफी के नाम पे, बेरोजगारों से ठगी करती है बेरोजगारी भत्ते के नाम पे, नौकरी के नाम पे, नतीजा निकलता है किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ती है, उनकी जमीनें नीलाम होती है, नौजवान अवसाद में है, आत्महत्याएं करनी पड़ती है, पेपर लीक ने उनके सपने तोड़े हैं, और इसी तरह चर्च पर भ्रष्टाचार राजस्थान में इतना बड़ा कि शायद राजस्थान नहीं हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूट गया, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई, सड़क पे व्यक्ति सुरक्षित नहीं, केवल अपेक्षित कार्यकर्ता ऊपर है, बाकी सब नीचे उतर जाए। आप सभी से आग्रह है, जो अपेक्षित नहीं है वे कार्यकर्ता मंच से नीचे ना उतर जाए। आप सभी कार्यकर्ता से आग्रह है, अरे हटो भाई, जिनको भविष्य भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, युवा प्रणव सिंह, राजस्थान विधानसभा में उप नेता आदरणीय सतीश पुनिया साहब, राजेंद्र जी गहलोत साहब, योगेश्वर जी।